तो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि अब देखो, एक सपोज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है जिसका मास एम है, और एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट द एक्सट्रीम पोजिशन। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि अगर ये सिंपल पेंडुलम है तो कभी ये यहाँ था, ठीक है, अभी ये यहाँ है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगल है वो क्या है, मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कभी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो एक्सट्रीम पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है एक्सट्रीम पॉइंट, और एक्सट्रीम पॉइंट पे उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है। बॉब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, बट एक्सलेशन जीरो नहीं होता है यार, ठीक ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सलेशन जीरो नहीं होता है, तो चलो अगर इसका सबसे पहले बात, ये वर्टिकल से ये वाली लाइन जो है, ये वर्टिकल वाली लाइन है, तो यहाँ पे इस लाइन में एम जी आएगी और ये टेंशन इस लाइन में जाएगा, तो एम जी इस वाली लाइन में आएगी, तो ये एम जी इधर आ गई। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा नॉट होगा, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट तो टेंशन से दूर जाएगा जिसका नाम होगा एम जी कॉस थीटा नॉट, और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन थीटा नॉट होगा ये। तो ये यहाँ से, अब ये वाली जो चीज़ है, ये टेंशन यहाँ इधर आएगा, तो टेंशन टी इधर आ जाएगा, ये वाला चीज़, तो टेंशन टी इधर आ जाएगा, और ये, तो ये सारे फोर्सेज इस पे लगेंगे। बेसिकली दो ही फोर्स लगेगा, टेंशन और एम जी। तो अगर ये सर्कल में चल रहा है तो नेट रियल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही सेंटीपिटल होता है, तो टेंशन टी माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा वही प्रोवाइड करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन यहाँ पे तो एम एल वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर होगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी कॉस थीटा नॉट। किसी और पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।